ओम शांति। आपका स्वागत है 2 जुलाई के ईश्वर वरदान में, जहाँ पर पिता परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने आप को संपूर्ण करें, कंप्लीट, सारी प्राप्तियों से भरपूर करें, संपन्न हो जाएं और भरपूर हो जाएं, ताकि हमें किसी भी प्रकार के ऐसे संस्कार ना रह जाएं हमारे अंदर जो कि मांगने वाले संस्कार हों। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं हेडिंग में, सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा कि हमने परमात्मा से क्या क्या प्राप्तियां कर रही हैं। सुख हो गया, शांति हो गई, प्रेम हो गया, खुशी हो गई, शक्ति हो गई और ज्ञान, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। सो सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले, मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। मांगने का संस्कार परमात्मा कहते हैं मांगने से मरना भला। अब ये मांगने कितने प्रकार के होते हैं वो हमें यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। एक भरपूरता बाहर की होती है कि आपने धन संपत्ति कमाई, आपको नाम मान शान मिला, आपने दुनिया में क्या किया है, आपने कपड़े, गाड़ी, कैसे जेवरात कैसे पहने हुए हैं, क्या है आपके पास में फिजिकल प्रॉपर्टी में, या आप फिजिकली दिखते कैसे हैं। स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर फिजिकल वर्ल्ड में। लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वे कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। उनको ये महसूस नहीं होगा कि मुझे किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से मुझे कुछ प्राप्ति हो जाए या मुझे कुछ मिल जाए उनसे, ताकि मैं भरपूर या कंप्लीट फील करूं अंदर से, वो खालीपन मेरा हट जाए। तो परमात्मा कहते हैं नहीं भी हो फिर भी मन भरपूर होने के कारण वे कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। वे सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया, परमात्मा को पा लिया, ज्ञान पा लिया, स्व की पहचान पा ली, परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, करते क्या हैं, सब जान लिया, रचना कैसे करी है, सब जान लिया, तो सब कुछ पा लिया। फिर ये भौतिक चीज़ें, वस्तुएं, इनका कोई मोल, इनका कोई मूल्य नहीं रहता है इस ज्ञान के सामने, परमात्मा की प्राप्ति के सामने। उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे। और मांगने कितने प्रकार का होता है, दो। एक हो गया सूक्ष्म, नाम मान शान मांगना, अपने बारे में बोलना और को, ताकि और लोग आपकी वाह वाह करें, या आपकी प्राप्तियाँ, या आपके अंदर कितने गुण हैं, आपके अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं, या आपके अंदर क्या क्या वर्च्यूज़ हैं, या क्या क्या आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ या काबिलियत क्या है आपकी, उसकी चर्चा करना, और फिर औरों से कुछ एक्सपेक्ट करना कि वो कुछ वाह करें, आपकी वाह वाह करें या नाम मान शान दें आपको। एक वो हो गया सूक्ष्म, और एक हो गया कि आपने जो सेवाएं करी, आपने जो कर्तव्य किया, उसके लिए आपको धन मिले या संपत्ति मिले या कोई गिफ्ट मिले। तो ये सारी कामनाएं रखना, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल कामना रखना, वो संपूर्ण और संपन्न आत्मा की निशानी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं परमात्मा से लिंक टूटा हुआ है, और परमात्मा से प्रेम और खुशी और आनंद और शक्ति पाने की जगह हम इंसान में ढूंढ रहे हैं, चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, वस्तु में ढूंढ रहे हैं, और वो आत्मा कभी तृप्त फील महसूस नहीं कर पाएगी। तो हम करें क्या, कैसे हम परमात्मा से जुड़ें ताकि हमें वो अंदर की तृप्ति हो, अंदर में जो अकेलापन है, अंदर में जो हल्कापन है, या अंदर में जो अपने बारे में जो पहचान नहीं है, जो खालीपन है, वो भरपूर हो जाए। और वो करते हैं हम ब्रह्म कुमारी इसमें राजयोग की मेडिटेशन की विद्या द्वारा अपने अंदर के खालीपन को भरपूर करते हैं, ताकि हमें बाहर से किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। जो अंदर से भरपूर है वो बाहर भी भरपूर रहता है। इसके साथ ओम शांति।